सभी एक घंटा बैठ ले सकते हैं, कोई नींद आ रहा है, किसी को इधर जाएंगे, क्योंकि अब भी हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। हाँ, अभी आप देख लो मधुबन में जाते हैं, मधुबन वालों की भटकी रखते हैं, दो दो घंटा एक जगह पर बैठे रहे, ना गीत ना आवाज ना कुछ नहीं। अभी भी शांतिवन के फीस पार्क में भट्टी थी, 350 सभी के, एक का 25-25 का ग्रुप, ज्ञान सरोवर के, पांडवगण के पुराने जो भाई है तपस्या करते हैं, अभी भी करते हैं, एक जगह पर दो घंटा बैठते हैं, कोई हिलता नहीं है, क्योंकि अभ्यास। आप लोगों का योग तो करते नहीं, कभी भी मुरलिन क्लास सुनने आए, योग कहाँ करते हो? घर में अमृत वेले कहते कहा, रोज तो नहीं उठते हो, थोड़ा उठेंगे, उठ गए, थोड़ा नींद भी आ रही है, खटिया पर बैठे रहे, ऐसे खटिया पर योग करते हो, है ना? जो एक्यूरेट विधि पूर्वक यहाँ बैठते वैसा ऐसा नहीं होता वो। अब देखो मधुबन आप जाओ, सब देखो हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल, नियम है, सब आपके एक्यूरेट बैठते हैं। ऐसे आपके अंदर व्यवस्था अगर हो, कम से कम एक साल विधि पूर्वक बैठो, तब जाके आप जमीन पर एक घंटा बैठ सकते, एक आसन पर, एक उसको कहते हैं अचल अडोल, एक रस अवस्था, तब जाके अनेक जन्मों का पाप, आप जानते हैं इसको भी, कागज एक धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती, कभी भी जलता नहीं हो, वही कागज वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह स्थिर पकड़ो, एक मिनट में जलता है। यहां भी मन बुद्धि की एकाग्रता स्थिरता, उसको का एक रस, एक के साथ, तो वो अभी इतना सब नहीं होगा ना, अभी तो बनेंगे। तब कहा एक कॉलेज स्कूल में भी देखो 100 बच्चे होते, एक ही बच्चा नंबर 1 आता है, सभी नहीं आते ना, सभी इतनी पुरुषार्थ कर नहीं पाते, ठीक है, समझ में आया? जो करते हो जितना करते हो पाव का दर्द होता है, नहीं ऐसा नहीं।